हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त और साथी संजय उपाध्याय एक बार फिर हाजिर हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपने वीडियो में ऑनलाइन पार्ट टाइम फ्रीलांस एंड वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताता हूं, और इस वीडियो में भी मैं आपको एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस जहाँ पे आप एक जेन्युइन पार्ट टाइम फ्रीलांस वर्क फ्रॉम होम काम कर सकते हैं उसकी जानकारी दूंगा। दोस्तों, आप सभी ये मानते होंगे कि जीवन का एक लक्ष्य अच्छे पैसे कमाना होता है, अच्छा इनकम करना होता है, और उस इनकम और उस पैसे से अपने जीवन के स्तर को सुधारना और एक अच्छी जिंदगी जीना जो कि अपने अनुसार हो, यह एक मकसद होता है। आज टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, हर जगह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, कंपनियां अपने काम करने के तरीके बदल रही हैं, और इन सभी चीज़ों के बीच में आपको भी अपने आप को एडजस्ट करना है, अपने लिए काम निकालना है और अपने स्किल का प्रयोग करना है। आप में से हर लोग आज कंप्यूटर के जानकार हैं। बहुत सारे लोग अपना समय फेसबुक, कई वेबसाइट को ब्राउज करने में, व्हाट्सएप में चैट करने में व्यतीत करते हैं। यही स्किल आपको आज के टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करके ऑनलाइन पार्ट टाइम फ्रीलांस जॉब अपने लिए करके एक अच्छी इनकम करनी है और अपने जीवन को के स्तर को इम्प्रूव करना है। इस बात को हमें समझना है और इसी दिशा में काम करके अपने लिए एक अच्छी इनकम करनी है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हमारा एक ही मकसद है कि हम अपने देश के लोगों को फाइनेंशियली एम्पावर करें, उनको ये बताएं कि वो अपने स्किल से कैसे, जो भी स्किल उनके पास है उसे कैसे अपने लिए एक अच्छी आमदनी कर सकते हैं और अपना जीवन सुधार सकते हैं। इसी मकसद से हम ये वीडियो बना रहे हैं, और आज जिस वेबसाइट के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं उसका नाम है upwork.com। दोस्तों, ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, बिल्कुल जेन्युइन वेबसाइट है, इस पर सारा ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंट है और इस पर आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। आपको कोई भी प्रोजेक्ट या काम के लिए कोई फीस नहीं देनी है, तो इस पे सारा काम फ्री है। जब आप काम करके दे देते हैं तब आपको इस पे पेमेंट मिलती है। दूसरी बात यह है कि आप इस काम को करने के लिए आप इस वेबसाइट पर जब जाएं तो अपने स्किल के अनुसार काम को पिकअप करें, क्योंकि इस पे हर तरह का काम अवेलेबल है, छोटे से छोटा और प्रोफेशनल से प्रोफेशनल काम। अगर आपको काम कोई नहीं आता या आपने आज तक कोई पार्ट टाइम फ्रीलांस जॉब ऑनलाइन नहीं किया है, तो भी आप अपने स्किल को धीरे धीरे सेग्रीगेट करें कि आप कौन सा काम कर सकते हैं, उस हिसाब से इन वेबसाइट पर अपने लिए काम ढूंढें और उस काम को करें और अपने लिए एक अच्छी इनकम करें। जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आज का वेबसाइट है upwork.com, यह एक इंटरनेशनल साइट है, और मैं इस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना, प्रोजेक्ट बिड करना, निगोशिएट करना और अपना बैंक अकाउंट लिंक करना इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे हमारे दोस्त और साथी मिस्टर नितिन आपको इसकी जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में कि आप कैसे अपने आप को रजिस्टर करें इस पे, कैसे अपना बैंक अकाउंट लिंक करें, कैसे प्रोजेक्ट बिड करें और निगोशिएट करें। तो आप चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड ओवर टू मिस्टर नितिन, जो इसके एक्सपर्ट हैं और आपको वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज की जानकारी देंगे। थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितिन है। आज हम बात करेंगे upwork.com के बारे में कि उस पे कैसे रजिस्ट्रेशन करें। तो आइए चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे, यहाँ पे जानेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर है। हम अपने क्रोम ब्राउजर पे आ गए हैं, एड्रेस बार में लिखेंगे upwork.com। ये upwork.com की वेबसाइट खुल गई है। द टैलेंट यू नीड, द फ्लेक्सिबिलिटी यू वॉन्ट। हम यहाँ पे थोड़ा सा वेबसाइट का ओवरव्यू ले लेंगे, इसमें किस किस टाइप के काम मिलते हैं। तो आप यहाँ पे फाइंड योर फ्रीलांस और एजेंसीज, तो हम यहाँ पे जो काम कराने वाले होते हैं वो इन इन कैटेगरीज में, जैसे कि वेब, मोबाइल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, क्रिएटिव राइटिंग, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिन सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, डेटा साइंस, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर में, ये सारी कैटेगरी है जिसमें फ्रीलांसर्स, हम जो फ्रीलांसर्स का वो बनाएंगे प्रोफाइल,
हम इन कैटेगरीज में अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। तो हम थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये कैसे काम करता है। तो अपनी आप यहाँ पे जॉब पोस्ट कीजिए, बिड कम टू यू, आपके काम पे बिड आएगी, कैलिब्रेट इजीली, पेमेंट सिंप्लीफाइड, चूज ऑफर वर्क, यहाँ पे कुछ ऑफर्स दिए गए हैं कि आपको फ्री जो आप अपना प्रोफाइल बनेंगे उसमें आपको क्या फीचर मिलेंगे, प्रीमियम है उसमें ही अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे टॉप स्किल्स दिए गए हैं, यहाँ ट्रेंडिंग स्किल्स हैं, ये यूएस की यूएस बेस्ड साइट है। तो अभी हम चलते हैं कि इस पर कैसे साइन अप करते हैं। चलिए हम इस पर साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे पहला नाम देंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, साइन अप विथ ईमेल, हम क्लिक करेंगे। वी नोटिस यू आर यूजिंग अ जीमेल एड्रेस, वुड यू लिंक टू योर वर्क ईमेल इंस्टेंट, क्लिक करेंगे इस पर। और तो हमें यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कह रहा है, तो हम आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है वो क्रिएट करके अपनी कंट्री यहाँ पे सेलेक्टेड है। तो अगर आई एम वांट हायर अ प्रोजेक्ट, आई एम वर्क एज अ फ्रीलांस पे क्लिक करेंगे और अपना यहाँ पे यूज़र नेम बनाएंगे। ये करने के बाद यहाँ पे यस आई अंडरस्टैंड एग्री एंड कंसेंट और क्रिएट माई अकाउंट। अब यहाँ पे कह रहा है कि वेरीफाई योर ईमेल, तो अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कराएंगे। जी हमारा जो वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे लिखा है अप्लाई टू ज्वाइन अपवर्क, तो हम यहाँ पे ये पूछा है व्हाट द मेन सर्विस डू यू ऑफर द क्लाइंट। तो हमसे यहाँ पे अपनी सर्विस को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ एडमिन सपोर्ट ले लिया, यहाँ पे हमें डेटा एंट्री का एक पेज प्रोफाइल बनाएंगे, यहाँ डेटा एंट्री सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे वो अपने स्किल्स जो है वो लिखने के लिए कह रहे हैं, तो अपने स्किल्स जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डेटा एंट्री लिखी तो यहाँ पे मुझे सजेशन में शो करने लगा, जैसे कि मैंने एक अभी यहाँ पे डाल दिया। तो अब डेटा एंट्री हम किस पे कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे एमएस एक्सेल शो कर रहा है तो हम उसको सेलेक्ट कर। तो इसी तरह से हमें अपने भी जो स्किल्स हैं डेटा एंट्री से रिलेटेड जो जो स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो यहाँ पे फिल करने हैं। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको ये जो काम आता है वो किस लेवल का आता है, एंट्री लेवल का मतलब बिगनिंग लेवल का, इंटरमीडिएट मतलब कि आता है अच्छे से, और आप एकदम एक्सपर्ट हैं, तो आप उसमें से यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है टेल अस मोर अबाउट यू, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स डालेंगे। यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर हमारी आ गई है, अब हम इसको सेव करेंगे। हमारी प्रोफाइल पिक्चर लग गई है और यहाँ पे हम यहाँ पे अपना प्रोफेशनल जो है वो देंगे, डेटा एंट्री ऑपरेटर, थोड़ी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, हम यहाँ पे आके अपनी स्पेलिंग ठीक करेंगे। राइट अ प्रोफेशनल ओवरव्यू, यहाँ पे अपना प्रोफेशनल ओवरव्यू देंगे, मैंने एक ऐसे ड्राफ्ट करके रखा हुआ है वही मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आप भी अपनी सारी प्रोफाइल जो है पहले से क्रिएट करके रखिएगा, जिससे कि आपको ईजी हो अपना प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट करने में। क्या मैंने डाल दिया है, यहाँ पे एजुकेशन की डिटेल डालेंगे या प्लस पे क्लिक करेंगे, तो हम यहाँ पे एजुकेशन डिटेल यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि ये ऑप्शनल है, फिर भी आप यहाँ पे डाल दीजिए जो है, तो आप कंप्लीट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, एरिया ऑफ स्टडी ऑप्शनल है और ये डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, तो आप इसको छोड़ के क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम अब भी आगे भी जानना है, तो हम इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मेरी एजुकेशन ऐड हो गई है। अब यहाँ पे जैसे कि आपकी कोई एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री हैगी बैकग्राउंड में, तो आप उसको भी यहाँ पे इस पर प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कंपनी का नाम, किस लोकेशन में थी, टाइटल, रोल क्या था आपका, कितने पीरियड तक आपने वहाँ काम किया है, फिर वहाँ का डिस्क्रिप्शन जो है वो आप डाल दीजिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसको अभी नहीं फिल करेंगे, इसको हम तो बाद में फिल करेंगे। सेलेक्ट बेसिक राइटिंग लैंग्वेज कन्वर्जन, आप क्या क्या इसके अंदर आपकी इंग्लिश की फ्रिक्वेंसी कितनी है वो आप यहाँ पे बता दीजिए। सेट योर आवरली रेट, यहाँ जैसे कि हम अपना आवरली रेट देंगे, हम ये अपना आवरली रेट देंगे, जैसे कि मान लीजिए $5 अगर हम यहाँ पे $5 पर आर यहाँ पे अगर चार्ज करते हैं, तो उसमें से अवर 20% फीस जो है
अपवर्क की होती है, और जैसे कि हमने $5 रखा तो हमें $1 काट के वो $4 हमको दे देगा। तो फिर यहाँ पे आपकी जो योर एड योर अवेलेबिलिटी एंड लोकेशन, यहाँ अपनी अवेलेबिलिटी बताइए कि आप एक हफ्ते में कितना देर यहाँ पे काम करेंगे, और आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट उठाना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट उठाना चाहते हैं, या दोनों ही। तो आप दोनों पे क्लिक करिए, यहाँ पे आप एड्रेस अपना जो है पूरा फिल कर दीजिए। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे आपसे एंट्री तो आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालिए। फ़ोन नंबर डालने के बाद जो है रिव्यू के लिए आपका अकाउंट जो है रिव्यू के लिए जाएगा। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो आपका जो प्रोफाइल है वो अभी जो है अंडर रिव्यू है अपवर्क के। जब आपका क्या नाम है अकाउंट जब अप्रूव हो जाएगा तो आपको आपकी मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे मैसेज दिखा रहा है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि इस पर कैसे अपना प्रोफाइल बनाते हैं और कैसे क्या नाम है इस पर हम अपना रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल बनाते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा अकाउंट जो है अब रिव्यू पे चला गया है, अब रिव्यू के आगे का प्रोसीजर जो है वो मैं अपनी अगली वीडियो में, जैसे ही मेरा अकाउंट रिव्यू हो जाएगा और ऑन हो जाएगा उसके बाद मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा। तो आगे मेरी वीडियो देखने के लिए अब हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे ही आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं अपनी जो इसकी अपवर्क की नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तब आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा। तो अप्रूव होने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1-2 दिन का टाइम लगेगा। अप्रूव होते ही मैं आपको दूसरी वीडियो बना के डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमें उम्मीद है कि मिस्टर नितिन द्वारा बताया गया प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन का, जो कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो क्यों अच्छा लगा। और अगर आपका कोई सजेशन है इम्प्रूवमेंट का तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम उसे इनकॉर्पोरेट कर सकें अपने अगले वीडियो में। हमें उम्मीद है कि आप अभी तक इस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारा जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो सबसे पहले मिल सके।